हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 6 तरह के रायता रेसिपीज़ बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में 500 ग्राम दही लेंगे। उसको विस्कर से या रई से अच्छे से फैट लेंगे। हमारा दही अच्छे से फिट चुका है। सबसे पहले हम वेजिटेबल रायता बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच बारीक कटा खीरा लिया है, 1 बड़ा चम्मच प्याज लेंगे, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा टमाटर लेंगे, 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हरी मिर्ची लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्ची और लाल मिर्ची डाल के इसको मिला लेंगे। लास्ट में धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर लेंगे। हमारा वेजिटेबल रायता बनके तैयार है। अब हम आलू का रायता बनाएंगे। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। इसको मैंने मैश कर लिया था। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक और काली मिर्च डाल के इसको मिला लेंगे। हमारा आलू का रायता भी बनके तैयार है। अब हम बूंदी का तड़के वाला रायता बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तड़का पैन में तेल गरम करके जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, इसको तड़कने के बाद 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं ताकि हमारा रायता ज़्यादा स्पाइसी ना बने। अब इसको एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। दही में मैंने 1 कप बूंदी डाल दी है, मिला लेंगे इसको। आप चाहे तो बूंदी को पहले पानी में भिगो के रख सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, सफ़ेद नमक, काला नमक, बारीक कटी हरी मिर्ची, लाल मिर्ची डाल के मिला लेंगे। अब हमने जो तड़का तैयार किया था वो तड़का इस रायते के ऊपर हम डाल देंगे। हमारा बूंदी का तड़के वाला रायता बनके तैयार है। अब हम खीरे का रायता बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ खीरा ले लिया है। बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देंगे, मसाले डाल देंगे, जीरा पाउडर, काला नमक, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, सफ़ेद नमक डाल के इसको मिला लेंगे। लास्ट में इसको धनिया पत्ते से इसको गार्निश कर लेंगे। हमारा खीरे का रायता भी बनके तैयार है। अब हम लौकी का रायता बनाएंगे। इसके लिए मैंने लौकी को कद्दूकस करके उबाल लिया था और इसका सारा पानी निकाल लिया था। अब दही में ये कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे, इसको मिला लेंगे। बारीक कटी हरी मिर्ची डालेंगे, मसाले डालेंगे इसके ऊपर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, काला नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक डाल के इसको मिला लेंगे। लास्ट में इसको धनिया पत्ता और जीरा पाउडर डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। हमारा लौकी का रायता भी बनके तैयार है। अब हम प्याज का रायता बनाएंगे।
इसके लिए हमने रफली चॉप किया हुआ एक प्याज इसमें डाल दिया है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद प्याज का यूज़ किया है। मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक डाल के इसको मिला लेंगे। हमारा प्याज का रायता भी बनके तैयार है। आप इन सभी रायतों को ठंडा करके सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।